जिसका चुनाव निशान झाड़ू है वो दबाना नहीं पड़ेगा। अच्छा क्यों ना दबाना पड़े, मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि जो सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को मिल रही है पूरे भारत को नहीं मिल रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यहाँ के उपस्थित राजनेता है और यहाँ के कहीं ना कहीं भागीदारी हमारी भी है, क्योंकि हम परिवर्तन लाना नहीं चाहते। तो ये सारी सुविधाओं का अगर आपको लाभ उठाना है तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ये सोचिएगा इस बात को कि आगे क्यों ना आम आदमी पार्टी को हम लाए उत्तर प्रदेश के अंदर, आगे कमी क्या है? हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो किसी भी बात की जातिवाद नहीं फैलाती, धर्मवाद नहीं फैलाती। आप देखिए दिल्ली में जाके साथियों के कितने विधायक हमारे मुस्लिम है, आप सब जानते होंगे अच्छी तरीके से। हाजी यूसुफ साहब है उनको अच्छे तरीके से आप जानते होंगे और इनका क्या वजूद है इनको भी आप जानते होंगे। तो हमारी पार्टी सभी धर्मों के लोगों को बराबर मान सम्मान देती है और जात बिरादरी या धर्मवाद का कोई भी पार्ट हमारी पार्टी में नहीं होता है। हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है, वो है विकास, विकास और विकास। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रत्याशी जो है याकूब अंसारी साहब वो मंच पर आए, याकूब भाई मंच पर आए और अपनी बात को रखें। याकूब भाई यहाँ पर आए सभी लोगों का मेरा अस्सलाम वालेकुम और जो हिंदू समाज से लोग आए सबको मेरा नमस्कार आता है। और हमारे जिले से जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो नेता हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री राम सिंह मोहनिया जी, निकाय चुनाव प्रभारी श्री विजय कुमार तिवारी जी, बरेली तिरंगा शाखा प्रमुख जिलाध्यक्ष विवेक चौधरी साहब, एसी त्रिपोर के जिलाध्यक्ष आंवला अब्दुल्ला अंसारी साहब, जिला महासचिव, सभी लोगों का जिसे स्वागत है। मैं आवाज बनूंगा तुम्हारी बड़े नाच के साथ, तुम भी मिला दो आवाज मेरी आवाज के साथ, एक बार बदलाव करके देखो। मैं इतना कुछ कर सकता हूं कि जो आज तक के चेयरमैन किसी ने किया ना हो, गरीब परिवार का जरूर हूं लेकिन हिम्मत इतनी रखता हूं कि जनता के हक में बहुत कुछ कर सकता हूं। बनना तो यहाँ का इतिहास ये रहा है लगभग 50-55 साल से कि यहाँ बड़ी रबड़ी खाई है लोगों ने आज तक चेयरमैन में, लेकिन जनता को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ वायदे दिए जनता को झूठे वायदे, और इतनी बड़ी बड़ी पोल्ट्री बना के लोगों के कानों पर रख दी है जो आज तक वो वादे पूरे ही नहीं किए। तो अगर आप लोग बदलाव लाना चाहते हैं तो इस बार आप झाड़ू पर मोहर लगाना और झाड़ू इतनी चलाना कि सब लोग सब प्रत्याशी देखते रह जाए, क्योंकि मैं गरीबों की हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूं और हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैंने जो ये बीड़ा उठाया है वरना मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि चेयरमैन का चुनाव में लड़ सकता, लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत दे के कस्बे में जो मैंने पिछले 2 साल से मेहनत की कस्बे में, पिछले करीब 14-15 घंटे मैं पलटे घूमा हूँ कस्बे में और लोगों के दुख सुख में सजीव होने का मैंने काम करा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इस बार आप लोग बदलाव लाइए। बदलाव लाएंगे आप तभी कुछ हो सकता है वरना कुछ नहीं हो सकता, और जब तक आप हिम्मत से काम नहीं लेंगे कुछ नहीं हो सकता। किसी का कोई दबाव नहीं है, वोट आपका अधिकार है, आप इस अधिकार का सही प्रयोग करना। इस बार मशीन तो कोई नहीं देखता है कि मोहर कहाँ लग रही है, अगर कोई मान लुटा लिया है उसे लुटाने दो,
लेकिन करना वही जो आपके मन में है। और मैं तो यही चाहता हूं कि इस बार आप बदलाव करिए, ऐसा बदलाव करिए कि कस्बे का विकास हो और हर गरीब की सहायता भी हो। बोर्ड की कीमत इतनी है कि अगर सही हिसाब से अगर आप समझ जाए तो बहुत कीमत होती है बोर्ड की, लेकिन लोग बहका देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि बस आप अपने बोर्ड का सही इस्तेमाल करें तो बहुत तो बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और चेयरमैन का चुनाव लगभग एक महीना या 25 दिन जो भी रह गया है, और मैं तो ये कहता हूँ अगर एक एक आदमी, पाँच पाँच आदमी अपने आप लोगों से बना लोगे तो बहुत तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि एक आदमी के पीछे एक बोर्ड नहीं होता है, वही उनका परिवार होता है, फिर और मिलने वाले भी होते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी मेरा साथ दीजिए। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि बड़े बड़े लोगों का तो आपने भला किया है, इस बार मुझे गरीब समझ के मेरा भला कर दो, गरीब समझ के वोट डाल दो मेरे ऊपर। और जब आप लोग मेरा गरीब समझ के मेरे जिताव हुए तो आप यकीन मानना, और आप मेरा व्यवहार जानते ही हो, पिछले 17-18 साल से मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं, मैं इतना काम करूंगा जनता के कि 14-15 घंटे पर डे जनता में ही लगा रहूंगा, बस मात्र 5-7 घंटे मुझे दे देना, 24 घंटे में बंदा सब समय आप ही जनता ले लेना मुझसे। और मेरा तो कोई इतना बड़ा कारोबार भी नहीं है कि साहब मेरा भट्टा निकल गया कहीं, या कोई बड़ा कारोबार नहीं है जो कि मैं उसमें दिमाग लगाऊंगा अपना। आप जनता मुझे चुन लोगे, चेयरमैन कस्बे का बना दोगे, तो मैं आप लोगों में ही पूरा तन मन हर तरीके से लगा रहूंगा, और मेरा थाने के पीछे जो घर है हमेशा आपको मिलूंगा। और मैंने तो यहाँ ये देखा है सिरोही की राजनीति इतनी गंदी, मतलब कुछ लोग राजनीति करते हैं लोग, कि अगर दो पक्षों में झगड़ा होता है नाली के पीछे, बच्चों के पीछे, किसी भी पे से, तो वहां लोग जाते हैं, एक आदमी को वहां खूंटे से बांध जाते हैं, पैसे दे ले गए, और दूसरे को जो है एक को छुड़ा रहा है, एक को झगड़ा रहा है। ऐसा नहीं हुआ, अगर किसी वजह से कोई मनमुटाव हो जाता है तो हमारा काम यही होगा कि दोनों को समझा कर थाने में ला के गली मिला के फैसला करा के और ये नहीं कि झूठे से मान लिया है और एक को निकाल लाए, वो गलत है। तो बदलाव करिए आप, और जब आप बदलाव करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और जो युवा लड़के हैं आज के टाइम में स्कूल तो जाते हैं लेकिन उन्हें अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि एक कोचिंग के लिए लगभग 500 रुपये फीस जाती है। तो मेरा मानना यह है कि मैं लड़कियों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था बनाऊंगा, और दो वार्ड में एक टीचर रखूंगा जिससे कि बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, ट्यूशन फ्री मिले। तो मैं बहुत कुछ बदलाव कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरा साथ देना। और मैं ये चुनाव मेरा अकेले नहीं है, मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकता, अगर आप लोग चाहो तो बदलाव बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं, और जब एक और बढ़ा दोगे तो और बढ़ जाएगी संख्या, एक और बढ़ा दोगे तो और हो जाएगी, इस तरीके से ग्राफ करता है। तो आप लोग मेरा सहयोग करना। और भाई मैं तो एक बार फिर दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि बड़े बड़ों को तो भरा है, इस बार गरीब को झोली में उसकी गरीबी को देखते समझ लो, कैसी भी समझ लो, मेरा भला भी कर देना, और बाकी मुझसे जो भी हो सकेगा जनता के हक में वो मैं काम करने का काम करूंगा। ये मेरा वायदा।